फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो. आज का ब्लॉग है सनस्क्रीन्स के ऊपर, बेस्ट सनस्क्रीन फॉर विंटर्स और समर्स. जो भी आपको दोनों सनस्क्रीन सिखाऊंगी वो दोनों आप किसी भी सीज़न में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे समर्स में हो चाहे विंटर्स में हो. स्पेसिफिक कोई इसके लिए सीज़न रिकमेंड नहीं कर रही मैं, लेकिन इन दो सनस्क्रीन्स को आप जब चाहें जिस भी सीज़न में चाहें यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट फॉर ऑल स्किन टाइप्स. सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड चलते हैं अपने वीडियो की साइड. सबसे पहली जो मेरी सनस्क्रीन है वो है ये ला शील्ड सनस्क्रीन जेल SPF 40. और ये सनस्क्रीन जेल जो है, इट इज़ डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड फॉर ऑल स्किन टाइप्स. आई थिंक इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हाउस ऑफ ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स. इसके अलावा मैं आपको बता दूं गाइस, क्योंकि ये सनस्क्रीन जेल है, जेल का मतलब ये है कि सनस्क्रीन दो तरह से आती है, एक क्रीमी फॉर्म में आती है और एक जेल फॉर्म में आती है. क्रीमी फॉर्म जो होती है वो थोड़ा सा ग्रीसी लुक आपको देता है, लेकिन जो जेल बेस्ड आएगी उसमें आपको थोड़ा मैट फिनिशिंग मिलती है. वो आपकी स्किन पर वो ऑयलीनेस जो होती है वो नहीं मिलती, क्योंकि एक तो ये ऑयल फ्री है. ऑयल फ्री जो सनस्क्रीन होती हैं वो क्रीमी टेक्स्चर में नहीं होती, वो लगाते ही आपको फील होगा कि आपका सारा सनस्क्रीन जेल बेस में आपकी स्किन के अंदर चला गया है. लेकिन जो क्रीमी टेक्स्चर होता है जिन SPFs का, वो एक तो आपकी स्किन पर वाइट एक जो क्रीज होती है वो बना देती हैं. दूसरी चीज़ की उससे आपका स्किन जो होता है, फेस जो होता है, वो बहुत ज़्यादा शाइन करता है. ऑयल ऐसा लगता है फेस पे बहुत ऑयल लगा लिया आपने. तो उस केस में मैं रेकमेंड करूँगी आपको कि फेस पे अगर आपको कभी भी कोई सनस्क्रीन जेल सनस्क्रीन लगाना हो तो आप हमेशा जेल फॉर्म वाला सनस्क्रीन लगाइए. इससे एक तो आपकी स्किन मैट लुक देगी आपको, आपको ऑयल फ्री लुक मिलेगा. प्लस ये UVA एंड UVB प्रोटेक्शन भी है इसमें इसके साथ साथ, जो कि आपको डीप लेयर एंड अपर लेयर दोनों में वर्क करता है. अल्कोहल फ्री एंड फ्रेग्रेंस फ्री है. अल्कोहल ना होने की वजह से, अल्कोहल अगर आप अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो आपका स्किन जो होता है वो काफ़ी रफ एंड यू नो ड्राई होना शुरू हो जाता है. तो इसमें अल्कोहल भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई फ्रेग्रेंस भी नहीं है. फ्रेग्रेंस नहीं है तो इसका प्लस पॉइंट ये है कि दैट मीन्स कि इसके अंदर कोई केमिकल नहीं डले हुए ऐसे जो कि आपको और केमिकल, क्योंकि कहीं ना कहीं तो देखिए हर सनस्क्रीन में केमिकल्स होते ही हैं. फ्रेग्रेंस डालने की वजह से वो और ज़्यादा आपके केमिकल्स आपकी स्किन में जाएंगे, तो जिसकी वजह से वो भी कहीं ना कहीं आपकी स्किन को गलत इफेक्ट कर सकते हैं. तो बेस्ट है कि एक तो ये ऑयल फ्री फॉर्मूला है, मैट इफेक्ट फॉर्मूला है इसका, और सबसे बड़ी बात है कि फ्रेग्रेंस फ्री है. करते हैं नेक्स्ट जो सनस्क्रीन की, वो है ये UV वाटर बेस्ड सनस्क्रीन जो कि है वाओ का. ये आप देख लीजिए, ये है SPF 30. बता दूं ये कोई क्रीम नहीं है, इट्स बेसिकली सनस्क्रीन वाटर. जो लोग जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है कौन क्रीम लगा के उसको अप्लाई करे स्किन पे, और कौन किसी के पास इतना टाइम नहीं, दिस इज़ माई सेकेंड बॉटल एक्चुअली. तो जो ये बॉटल है इट इज़ बेसिकली UV वाटर सनस्क्रीन एंड अ ट्रांसपेरेंट सनस्क्रीन स्प्रे. ये है SPF 30. मैंने आपको बताया कि दिल्ली में अगर आप लोग रहते हैं तो आपको SPF 30 से ऊपर ही लेना पड़ेगा कोई भी सनस्क्रीन हो, अदरवाइज कोई वर्क नहीं करेगा वो. इट इज़ सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स. सो जो इसका बेस्ट पार्ट है वो है इसे अप्लाई करना. इट इज़ वेरी ईजी टू अप्लाई इट, यू जस्ट नीड टू अनकवर इट, शेक इट वेल एंड जस्ट स्प्रे इट ऑन ऑल ओवर योर बॉडी पार्ट्स, जहाँ पे भी आपको इसको अप्लाई करना है. ईजी टू यूज़ है, इंस्टेंट आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा क्योंकि वाटर है, तो इसको क्रीम की तरह आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट इसे आप अप्लाई कीजिए और ये देख लीजिए आप स्किन. इट एक्चुअली गिव्स यू हाइड्रेटेड लुक, इट एक्चुअली मॉइस्चराइज योर स्किन, स्मूथ योर स्किन टेक्स्चर. कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट्स एंड एवोकाडो ऑयल, ये आपकी स्किन की डीप लेयर तक जाके उसे हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है, इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत फास्ट एब्जॉर्ब होता है आपकी स्किन में. उस वैसे ही ये एक बैरियर बना देगा आपकी स्किन के ऊपर, जिससे आपकी स्किन को सन प्रोटेक्शन मिलता रहेगा. कभी भी आपको बाहर जाना है तो आपको ये नहीं है कि आधा घंटा पहले लगा के रखना है या 10 मिनट, ईजी टू उसी टाइम अप्लाई कीजिए और उसी टाइम ये इंस्टेंट एब्जॉर्ब हो जाएगा स्किन में, और ऑटोमेटिकली सन की जो लेयर्स हैं वो आपकी डीप स्किन में नहीं जाएंगी. सो जो इसका मुझे बेस्ट पार्ट लगा वो यही था कि मैं इसे कहीं पे भी ले जा सकती हूँ अपने बैग के अंदर, और जब भी मुझे इसको रीयूज़ करना है 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद अनकवर करना है, स्प्रे करना है, रब करना है एंड दैट्स इट. तो इस मेकअप के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, मेकअप से पहले भी यूज़ कर सकते हैं, कभी भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं फेस पे. जस्ट अपना फेस वॉश कीजिए, जो भी मॉइस्चराइजर आपको लगाने लगाइए और इसको स्प्रे कीजिए एंड यू आर गुड टू गो. तो बेस्ट मुझे ये लगा, ये दो मेरी जो सनस्क्रीन है वो मेरे बेस्ट सनस्क्रीन रहे हैं अब तक के. इसे मैं काफ़ी साल थी, ऑलमोस्ट 3 ईयर्स से इसे यूज़ कर रही हूँ बैक टू बैक, और वन ऑफ द बेस्ट सनस्क्रीन फॉर ऑल स्किन टाइप फॉर ऑल सीजन्स. और ये मेरा रीसेंट परचेज है, बट इसकी भी मेरी सेकेंड बॉटल ही है ये. तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर क्योंकि मैं आपको बता दूं ला शील्ड जो है थोड़ा एक्सपेंसिव है, इट अराउंड 700 के आसपास आता है. तो कई लोग मुझे नहीं लगता कि इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करना पसंद करेंगे. कि बेस्ट है कि आप इसे फेस पे अप्लाई कीजिए, और बॉडी पे अगर आपको सनस्क्रीन लगाना है, क्योंकि सनस्क्रीन इज़ मस्ट. मैंने आपको पहले भी बताया कि बिना अगर आप सनस्क्रीन यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी स्किन बहुत जल्दी रिंकल्स आ जाएंगे आपकी स्किन पे, आपकी स्किन मतलब डैमेज हो जाएगी ओवरऑल. अगर आपने बाहर भी आप जाते हो टैनिंग होनी शुरू हो जाती है फेस पे, डल होना शुरू हो जाता है. सो UVA UVB रेजेस यही करते हैं.
जब भी आप बाहर निकलते हैं वो आपकी स्किन को डैमेज करते हैं. तो स्किन को बचाने के लिए मैं जो पर्सनली मैं जैसे यूज़ करती हूँ मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैं भी इतने ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं 700-800 का प्रोडक्ट हर हफ्ते या महीने में एक बार परचेज करूँ और पूरी बॉडी पे लगाऊँ. तो मैं इसे फेस पे यूज़ करती हूँ, और बॉडी पे लगाने के लिए मैं यूवी वाटर यूज़ करती हूँ, सनस्क्रीन वाटर. तो ये दो मेरी बेस्ट परचेजेस हैं. इसका मैंने आपको प्राइस बता दिया, ये ऑलमोस्ट 700 के आसपास आता है और ये आपका आएगा 400 का. तो जितना अच्छा सनस्क्रीन यू नो यूज़ करेंगे आप अपनी स्किन के लिए, किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. सो अगर आपको भी ये दोनों प्रोडक्ट्स परचेज करने हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ड्राई स्किन वालों के लिए तो मस्ट है, मस्ट मस्ट. आप और कुछ भी मत लगाओ, सिर्फ सनस्क्रीन भी लगाओगे तो चलेगा, क्योंकि ड्राई स्किन बहुत जल्दी डल हो जाती है, बहुत जल्दी सैगिंग होनी शुरू हो जाती है. तो बेस्ट है कि आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, इसे बिल्कुल मिस नहीं कीजिए. हार्डली यार इट्स अ मैटर ऑफ 20 or 30 seconds, आपको इतना टाइम भी नहीं लगता, लेकिन स्किन के लिए सनस्क्रीन इज मस्ट. सो होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा. अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में. टिल देन बाय बाय.